हमने डेटा कनेक्ट किया है, आप देख सकते हैं। अब इस डेटा में आप देख सकते हैं कि मंथ मंथ है, ईयर है और यहाँ पे है। तो मुझे क्या है इसमें डेट बनाना है, क्या बनाना है, डेट बनाना। तो यहाँ न्यू कॉलम पे ऐड करते हैं और हमारे पास इसको डेट बनाने के दो तरीके, डेट बनाने का दो तरीके। मान लीजिए इसमें मंथ ईयर है, एक तारीख का डाल के मैं इसको डेट बनाना चाहता हूँ, तो दो तरीके हैं। अभी जैसे ये देखिए, ये है मंथ में सितंबर अक्टूबर नवंबर वगैरह है, तो इसके लिए हम लगाएंगे कॉनकेट का फॉर्मूला, वन डैश एन परसेंट। हम लेते हैं मंथ, मंथ नाम का ये फील्ड, फिर एन परसेंट अगेन डैश, और फिर हम लेते हैं ईयर, ईयर ईयर को सिलेक्ट करके एन डब्ल्यूस के। बट डेट आया है, तो डेट टेक्स्ट आया, डेट जो है एज ए डेट नहीं आया। अब बोलेंगे सर एज ए डेट नहीं आया, मतलब क्यों? इसके पीछे का रीजन यह है कि जो टेक्स्ट फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है वो टेक्स्ट फॉर्मूला एज ए टेक्स्ट फॉर्म, ए हमने जो एन परसेंट किया वो टेक्स्ट फॉर्मूला। और टेक्स्ट फॉर्मूला में क्या होता है, टेक्स्ट फॉर्मूला के अंदर डेट फंक्शन काम नहीं करता, लेफ्ट में रहता है। जी हाँ बिल्कुल। तो इसको हम अगर मान लीजिए टेक्स्ट से, इसका प्रॉपर्टी अगर हम टेक्स्ट से डेट कर दे और यस करें, तो डेट में कन्वर्ट होगा रिजल्ट इसका। जी हाँ बिल्कुल, डेट में कन्वर्ट हो गया। अगर नहीं होता तो क्या करते, यहाँ एक वैल्यू का फॉर्मूला, या फिर इसमें हम कर देते प्लस जीरो। तो जैसे किसी भी नंबर या डेट है, अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में है, उसके ऊपर किसी भी तरह का अगर आप क्या करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते ही वो आपका नंबर या डेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? डेट आ गया। अब मान लीजिए कि जो डेट आया है, डेट में से कोई पर्टिकुलर पार्ट, अभी इसको भूल जाएगा कि मंथ ईयर डाला हुआ, इसको भूल जाएगा। अभी इस डेट में से मुझे कुछ पर्टिकुलर पार्ट को अलग करना, ऐसे केस में हम एक और न्यू कॉलम लेते हैं। अब देखिए कोई पार्ट को अलग करना है, जैसे मान लीजिए मुझे मंथ ही अलग करना है या कुछ और अलग करना है, तो यहाँ आप डेट लिखे, डेटा डेट। अब डेट में जैसे करेंगे यहां आ जाएगा कि आपको क्या क्या अलग करना है। ठीक है, समझे कि नहीं? तो यहाँ पे मैं मंथ को, यहाँ अगर मान लीजिए इसमें से डेट किया तो पूरा डेट आएगा, अगर डे कर दिया तो डे आपका ये 1 2 3 4 5 जो भी डेट होगा नंबर वो आएगा। अब मान लीजिए इसमें से मैंने अगर ले लिया मंथ, तो आपका मंथ जैन फैब मार्च आएगा। अगर मंथ के जगह पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मंथ नंबर, तो ये आपका मंथ नंबर आएगा। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ ईयर, ईयर आएगा, क्वार्टर, क्वार्टर 1 2 3 4 इस तरह से लिखा हुआ आएगा। क्वार्टर के जगह पे मैं इसको ले लेता हूँ क्वार्टर नंबर, तो 1 से 4 तक का नंबर आएगा। और यहाँ पे लेता हूँ ईयर, तो ईयर आएगा। तो यहाँ कहने का मतलब है कि अपडेट में से कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, और आप जो है खुद ब खुद आप ले सकते हैं। ठीक है,
उसके अलावा इसमें फंक्शन भी लगा सकते हैं, जैसे कि डे का फॉर्मर लगाइएगा तो डेटा में से डेट अलग कर देगा, डे अलग कर देगा। ऐसे डे के जगह पे अगर मैं मंथ का फॉर्मर लगाऊं, क्या डेटा का हाँ कौन हाँ डे फॉर्मूला अगर लीजिएगा तो जो डेट में से डे होगा ना, 1 2 3 4, वो अलग कर देगा। अच्छा सा संडे मंडे ट्यूसडे, हाँ है? तो उसका भी बताता हूँ, चिंता मत कीजिए। उसके लिए जैसे आपने डे निकाला तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है वीक डे लगाइए। अब आपका वीक स्टार्ट अगर संडे से हो रहा है तो यहाँ पे 1 दे दीजिए, अगर मंडे से हो रहा है तो 2 दे दीजिए। ये देखिए आपका नंबर में आ गया, नहीं नंबर आया। एक अब एक फॉर्मूला होता है आपका मंथ डे डे नेम, डे नेम नहीं होता आई थिंक, नहीं नहीं डे नेम नहीं होता है, वो वीवीएम होता है, इसमें नहीं होता है सब। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, आपको बताता हूँ क्या है आपका फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर नेम हाँ फॉर्मेट लगा दीजिए। फॉर्मेट में हम डेट को लेते हैं और यहाँ पे डी डी यहाँ पे डी डी डी, कस्टम फॉर्मेटिंग जो एक्सेल का पार्ट होता है वो कस्टम फॉर्मेटिंग यहाँ पे यहाँ दे दीजिए, यहाँ पर ठीक है, क्लियर है ओके okay. जी हाँ बिल्कुल। समझ गया ना? इसमें से अब मैं यहाँ बात कर रहा था कि मेरे पास 3 फॉर्मूला और है, जैसे कि डे है, डे के अंदर हम अगर डेट लिखते हैं तो डे अलग करता है, ये बात कर रहे थे। और हमारे पास एक मंथ है, अगर यहाँ पे मंथ हमने दिया मंथ तो मंथ फॉर्मूला महीना अलग कर देगा और ईयर फॉर्मूला ईयर अलग कर देगा। ईयर फॉर्मूला क्या करेगा, ईयर अलग कर देगा, समझे? अब यहां पे मेरे पास ईयर है राइट, और मंथ मुझे पता है, और डेट मैं रैंडम लेना चाहता हूं। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे पास मंथ डेट और ईयर अलग अलग है तो क्या मैं डेट बना सकता हूं? जी हाँ, आप यहाँ डेट फॉर्मूला लगाइए। डेट फॉर्मूला में मैंने यहाँ पे ईयर सिलेक्ट कर लिया, अब इसमें ईयर ईयर सेलेक्ट कर लिया, अब इसमें मंथ जो है आप नंबर में दे सकते हैं और डे भी नंबर में दे सकते हैं, टेक्स्ट में नहीं। तो आपका अलग अलग, अगर मान लीजिए नंबर फॉर्मेट में मंथ ईयर डेट है तो उसको डेट बनाया जा सकता है, ठीक है? अब बात करते हैं कैलकुलेशन की, किसी डेट पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जो डेट है मान लीजिए मुझे 20 दिन जोड़ने हैं, तो मैं यहाँ पे डेट और इसमें +20 कर दूंगा तो 20 दिन आ जाएगा, 20 दिन बात करनी। मुझे 20 दिन माइनस करने हैं तो इसमें से माइनस कर दूंगा तो माइनस हो जाएगा, राइट? जितना दिन मुझे प्लस है जितना दिन माइनस करने हैं हम यहाँ पे कर सकते हैं, सिंपल सा। लेकिन मुझे अगर डेट माइनस कर, ई मंथ मान लीजिए मुझे 3 महीने जोड़ने हैं, तो उसके लिए हम ई डेट का फॉर्मूला लगाएंगे। ई डेट में हम डेट लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 3, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद या 10 महीने बाद का डेट आपको
देगा। अरे बाय डिफॉल्ट नहीं लेगा, और मतलब बाय डिफॉल्ट मंथ तो गया ही नहीं, या फिर फेल है ना, उन्होंने जब तक फ्री डाला, लेकिन यहाँ पर मंथ प्लान तो नहीं ई किया। डेट फॉर्मूला, ई डेट फॉर्मूला का काम मंथ ऐड करना, तो मंथ ही लेगा ना सर। अच्छा, और ईयर और डे के लिए अलग से ही अच्छा, करना ईयर करना है तो 12 कर दीजिए, ईयर को कन्वर्ट कर दीजिए मंथ में। ईयर को ऐड करने में फॉर्मूला नहीं है, है। अच्छा आप डे ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। देखे कि डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाएगा शायद। नहीं, डेटेड फॉर्मूला दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालता है ना, कि ऐड करता है। डेटेड शायद होता है सर। अच्छा चलिए देखते हैं आपका, आपने बोला डेट ऐड, हाँ डेट ऐड हो गया। इसमें डेट्स लेते हैं पहले हम डेट सेलेक्ट, डेट हाँ डेट और सेलेक्ट कॉमा, अब इसमें ऐड क्या करना है वो बता दिया, नंबर कितने ऐड करने हैं, नहीं, मुझे इसमें ईयर ऐड करना है, तीन ईयर कहना तीन नंबर ऑफ इंटरवल और क्या जोड़ना, इंटरवल ईयर से पहले तीन डालिए, अब ईयर डाल दो इसमें, ईयर लिख दो आप, आई थिंक अब ईयर हो ऐड। जाना चाहिए, हो जी हाँ गया ना सर। जी, बट इसमें डेट क्यों नहीं ऐड हुआ है? सर क्योंकि इसमें इसलिए नहीं आया ना, आपने इसमें जो डेट कुछ ऐसा नहीं किया है फॉर्मूले में, देखना पड़ेगा, नहीं काफी टाइम हो गया सर ये यूज किए हुए। मैं बताता हूँ, चले तो यहाँ पे सारे फॉर्मूले बताता हूँ, चिंता मत कीजिए, वन बाय वन। तो ई डेट फॉर्मूला समझ में आ गया, ई डेट फॉर्मूला दो डेट के बीच में ऐड भी करता है और माइनस भी करता है। अगर आपको 3 महीने माइनस करने हैं ना आपको, तो ये क्या करेंगे, आप एक कॉमा यहाँ पे -3 कर दीजिए, आपका ऐड हो जाए, माइनस हो जाए। प्लस और माइनस दोनों काम करता है ई डेट फॉर्मूला। अब ई डेट फॉर्मूले के बाद अगर मान लीजिए कि मुझे इस महीने का लास्ट डेट पता करना है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ईओ मंथ का होता है। ईओ मंथ में मैं यहाँ पे डेट डालता हूँ, यहाँ पे कॉमा 0 कर दिया, तो मुझे इसी महीने की लास्ट डेट पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी, लास्ट डेट इस महीने की। तो ई डेट फॉर्मूला का काम होता है ऐड करना इसको डेट को और आपका एंड ऑफ जो अपना मंथ लास्ट डेट लेगा वो मेरे डेटा कार्ड की लास्ट डेट मंथ। नहीं, जो लेगा, डेट आप सेलेक्ट की, जैसे 1 सितंबर सेलेक्ट किया ना, 1 सितंबर की लास्ट डेट दिखाए। और ये 30 सितंबर जो हमारा डेट है, डेट वाला कॉलम पर 30 सितंबर होगी, वही 30 दिखाइए। हाँ यहाँ पे 1 सितंबर है ना, तो सितंबर महीने की लास्ट डेट बताएगा, ठीक है। अक्टूबर है तो अक्टूबर महीने की लास्ट डेट, जनवरी है तो जनवरी महीने की लास्ट डेट, जो डेट दीजिएगा उसको, उस डेट के लास्ट डेट आपको दिखाएगा। जो एक्चुअल में होती है वो जी यहाँ के जी डेटा सेट के बाद, जी आपके डेटा के हिसाब से, डेटा के हिसाब से नहीं देगा, तो मैच लगा लीजिए, डेटा के हिसाब से लास्ट डेट चाहिए। अब यहाँ पे ये हो गए दूसरी दो चीजें, हम डेट को ऐड करना सीख। अब जैसे इन्होंने बताया डेट ऐड का फॉर्मूला, ठीक है, तो डेट ऐड का फॉर्मूला उन्होंने सही बताया कि आप डेट इससे, कोई भी डेट ऐड फॉर्मूला सिर्फ जो है ना, ऐसा नहीं कि डेट ये करता है, ईयर ऐड करता है, डेट ऐड के अंदर में आप जो मर्जी वो ऐड कर सकते हैं, जो इंटरवल ऐड करना हो। अब यहाँ पे कॉलन पे, इसी में कॉलम पे नहीं जाते, इसी में आता हूँ, इसी में मैं फॉर्मूला लगाया डेट ऐड का, डेट ऐड। अब डेट ऐड के अंदर हमने क्या कर दिया कि अपना ले लिया डेट, कि यहाँ डेट, और इस डेट में मुझे मान लीजिए 3 महीने 3 साल जो भी ऐड करने हैं, और फिर मैंने यहाँ पे अपना ईयर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो इसमें 3 साल जोड़ देगा। अब यहाँ पे ब्लैंक क्यों आया, इसके ऊपर समझना होगा, इसमें ब्लैंक नहीं आना चाहिए, इसने 1 सितंबर 2024 दिखा दिया, इसका मतलब है कि ये आपको फ्यूचर डेट नहीं देगा, फ्यूचर ईयर नहीं देगा।
अगर मैं 3 के जगह पे मान लीजिए कि इसमें 5 साल कर लेते हैं, 5 साल ब्लैंक हो गया, समझ में आया सर? फ्यूचर ईयर नहीं देगा, जो भी ऐड करेगा करेंट ईयर ही ऐड करेगा, समझे? जी सर। हाँ, ये डेट ऐड फॉर्मूला होता है। तो डेट ऐड फॉर्मूले पे हम आएंगे, हम पहले जो एक्सेल वाले फॉर्मूले जिसमें वर्क होता है ना, वो उस पर एक बार हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना? क्या सर? अब दो टाइम पहले हम एक्सेल, देखिए पहले एक्सेल का फीचर कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। तो दो टाइम के बीच में जैसे मैं यहाँ पे टुडे का फॉर्मूला लगाती हूँ, तो टुडे फॉर्मूला क्या करेगा? टुडे फॉर्मूला आपका दो डेट का बीच का डिफरेंस निकालता है। जैसे टुडे फॉर्मूला आपका करेंट सिस्टम देगा, डेट देगा, मुझे दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस अगर डे में निकालना है तो सीधे हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ DIF, DIF दो डेट का बीच का डिफरेंस निकालना है, तो मैं यहाँ पे M, तो लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट दे दीजिए, दो डेट का बीच का डिफरेंस एज ए डेट में निकलेगा, किसमें निकलेगा? एज ए डेज में। अभी यहाँ पे डेट एंड टाइम है, तो इसको चेंज करके आप नंबर, होल नंबर दीजिए, होल नंबर करते ही आपको यहाँ पे दिख जाए। तो दो डेट का बीच का डिफरेंस किस में निकल गया? डेज में निकल। लेकिन मान इसमें एक और फॉर्मूला भी है, अगर आप लगाना चाहें तो एक डेज नाम का फॉर्मूला, नहीं इसमें नहीं है, वो एक्सेल में होता है डेज नाम, इसमें ऐसा नहीं है। अब दो डेट के बीच का डिफरेंस में हम मान लीजिए कि हम लेना चाहते हैं जिसमें सैटरडे एंड संडे को इग्नोर करना, स्टार्ट डेट एंड यहां पे हमने एम ले लिया। अब इसके अंदर आता है वीकेंड, कि आपका वीकेंड कब हो रहा है, तो हमने ले लिया स्टार्ट डेट एंड डेट। अब आता है वीकेंड, क्योंकि सैटरडे संडे ही छुट्टी होगा, ये गारंटी थोड़ी है, सैटरडे संडे के अलावा आपका आपकी छुट्टी और भी हो सकता है ना। तो वीकेंड्स में क्या होगा, सुनिए, यहां अगर मैं 1 दे देता हूं तो सैटरडे एंड संडे को इग्नोर कर देगा, ठीक है। अगर मैं 2 देता हूं तो मंडे ट्यूजडे, 3 करता हूं तो ट्यूजडे वेनसडे, 4 करता हूं तो थर्सडे, अगर सिर्फ संडे करना है तो 11, बिल्कुल एक्सेल की फॉर्मूले की तरह वर्क करता है यहाँ पे। उसके बाद होलीडे, अगर कोई ऐसा सीट है जिसमें होलीडे लिस्ट चला हुआ है उसको सिलेक्ट कर सकते थे, यहाँ पे है नहीं तो हटा दिया। तो नेटवर्क डेट क्या करता है, दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालता है जिसमें वो सैटरडे संडे या संडे एक वीकेंड को हटा दे। अब यहां आता है कि दो डेट के बीच का डिफरेंस मुझे मंथ में चाहिए, तो उस केस में लगाते हैं डेट DIF फॉर्मूला, डेट DIF। इसमें हम देते हैं अपना डेट, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट में हम एम हमारा आता है एम, और मुझे क्या चाहिए, मुझे मंथ चाहिए। तो ये आपका मंथ जो है मिनट मंथ था, दो डेट के बीच का डिफरेंस ये आपको निकाल के दो, ठीक है। इन द मंथ आपको इन द ईयर चाहिए, यहाँ ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, इन द वीक चाहिए, इन द मिनट सेकेंड आवर क्वार्टर सब निकालो। पर इसमें एक्सेल की तरह दो चीजें नहीं निकालेगा कि हाँ मुझे इसमें से डेट अलग करना है, इसमें से फलाना अलग करना है, ठिकाना अलग करना है, ये चीजें यूज नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर। तो दो डेट का बीच का डिफरेंस सीख लिए। तो हमने अभी डेट पे बात कर लिए फॉर्मूले जो इस कॉलम पे अप्लाई किए जाते, ऐसे आपका मंथ का फायदा था, क्वार्टर का भी, अगर हम टाइम की बात करें तो ऐसे आपका टाइम का भी फॉर्मूला है। जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ नाउ का, यहाँ पे नाउ फॉर्मूला क्या करता है, सिस्टम डेट एंड टाइम देता है।
नंबर में आ गया होल नंबर में, तो इस होल नंबर को मैं टाइम में कर देता हूँ, टाइम आ गया। न्यू कॉलम में मुझे अगर मान लीजिए इसमें से सिर्फ टाइम अलग करना है, तो आप यहाँ पे टी ए यहाँ पे डेटा डी आई एफ लिया। अब इसमें आप जो है, अब इसमें डेट की तरह नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है ना, तो आप किसी पर्टिकुलर टाइम से सिर्फ डेट से ही अलग कर सकते हैं, बाकी टाइम वगैरह से अलग करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे कि आवर के लिए आप लगाएंगे फॉर्मूला आवर का, आवर फॉर्मूला क्या करेगा, इसमें से आवर अलग कर देगा इन द नंबर फॉर्मेट। ऐसे आप आवर की जगह पे लगाइएगा मिनट का फॉर्मूला, तो मिनट अलग कर देगा। फिर आप लगाएंगे सेकेंड का फॉर्मूला, ये आपका सेकेंड अलग कर देगा। और आपके पास मान लीजिए इसमें मान लीजिए मुझे जोड़ना है 10 मिनट, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें इसमें हम देते हैं कि डी आई एफ। आप +10 नहीं कर सकते हैं क्योंकि नॉट एक्सेल एंड नॉट ए वीवीए नॉट ए पावर बी आई। इसमें क्या होता है कि आपको अगर टाइम फॉर्मेट में है तो जोड़ सकते हैं, अगर आपने 1 2 3 से नंबर डाला तो प्रॉब्लम होगा क्योंकि इसके अंदर में 1 = 24 आवर होता है। तो मैंने क्या किया, इसमें टाइम का फॉर्मूला, जैसे डेट का फॉर्मूला होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है कि आप यहाँ पे आवर मिनट सेकेंड इस तरह से लिख सकते हैं, उतना 20 घंटे 30 मिनट और 40 सेकेंड को ऐड करके ये टाइम बना देंगे। इस तरह से हम टाइम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। दो टाइम के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए जस्ट माइनस कर दीजिए, आपका आपका डिफरेंस निकलता है, सिर्फ माइनस कर देना आप कुछ निकल, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे इसमें ईयर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाना है, मतलब कि मैं जानना चाहता हूं कि साल का कितना परसेंट हो चुका है डेट के अकॉर्डिंग, मतलब कि साल अगर 365 दिन का है तो 1 सितंबर तक कितना हो गया, 2 सितंबर कितना आ गया, या फिर इसके इसके अकॉर्डिंग ले लीजिए। तो यहाँ होता है ईयर फ्रैंक, क्या होता है ईयर फ्रैंक, ईयर फ्रैंक में स्टार्ट डेट हमने ले लिया मान लीजिए एम, और एंड डेट हम कर देते हैं टुडे, आज का फॉर्मूला, आज का डेट नहीं, एंड डेट के लिए हम डेट फॉर्मूला लेते हैं डेट। डेट और हमने यहां बोला 2024 पहला महीना पहला तारीख, और यहां पे हम इस एम को ले लेते हैं आज का डेट, एंटरप्राइज कीजिए, ये आपका परसेंटेज में आएगा, परसेंटेज कन्वर्ट कीजिए तो बताएगा कि 37% हमारा ईयर यूज हो चुका है, ठीक है। तो इसमें आपको फॉर्मूला ऐसा नहीं रह जाता। अब इसमें बात करते हैं डेट एंड टाइम इंटेलिजेंट फॉर्मूले के ऊपर, अब ऐसा फॉर्मूला जो कि यूज होता है, देखिए कुछ फॉर्मूले बताया था आपको तीन तरह के फॉर्मूले, अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके पास कोई डेटा है, तो मंथ वाइज है, चलिए एक डेटा और इसमें आप इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे कहाँ गया, अच्छा तो यहाँ हमने एक डेटा ऐड किया, इसमें इसमें इस पर आ देता हूँ, इसमें डेटा टू। अब इसमें क्या है कि हमारे पास डेट है, ठीक है ना। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए इस डेट के अकॉर्डिंग, जो डेट है उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए मुझे अगर विजुलाइजेशन तैयार करनी है, मुझे लाइन चार्ट ही तैयार करनी है मान, तो यहाँ पे मैंने अपना इसमें से क्या रख दिया, मान लीजिए डेट रख दी, और डेट को यहाँ पे हम डेट रखते हैं और इसमें अपनी क्वांटिटी रख दी। तो इसमें आप देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि सारे डेट्स आएंगे आपके, ठीक है। एक काम करते हैं इसको कॉलम में कन्वर्ट टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें जरूरी नहीं है कि आपके सारे डेट आएंगे,
उस डेट में हमारा डेटा नहीं भी हो सकता है क्या सर? तो मैं यहां चाहता, मैं सिंपल सा चाहता हूं कि इस डेट में जितने भी डेट है ना वो सारे, समझे कि नहीं, जैसे एक तारीख है, दो तारीख है, तीन नहीं है, चार है, तो मेरे पास तीन भी है, मतलब कंटिन्यूअस डेट आना चाहिए। तो बेसिकली जब हम मल्टीपल रिजल्ट्स की बात करते हैं तो उसका हम टेबल में ही लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं फॉर्मूला किसका, कैलेंडर का। कैलेंडर में यहाँ देना होता है स्टार्ट डेट और एंड डेट। तो मैंने स्टार्ट डेट के लिए मिन का फॉर्मूला लगाया कि मिन माम और मिनिमम कहाँ से, तो डेटा टू जो है हमारा है डेटा टू का जो डेट है वो हमने यहां पे ले लिया। और यहां पे मैक्सिमम मैंने बोला कि मैक्सिमम डेटा टू का डेट, सिंपल से। तो दो डेट दे दिया, तो ये क्या कैलेंडर फॉर्मूला क्या करेगा, इन दोनों डेट के बीच में जितने भी डेट होंगे ना वो डेट यहां सिक्वेंसली आपको दे। अब इसमें हम सम इज का फॉर्मूला, सम एक्स का फॉर्मूला लगा के फिर यहां पे आगे का काम करेंगे। तो सम एक्स फॉर्मूला जो सिखाऊंगा तो आपको समझना होगा, ठीक है? अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला और होता है कैलेंडर ऑटो, कैलेंडर एट ऑटो, और यहां पे एंटर प्रेस कर देता हूं मैं। ये 2022 से लेके पूरा पूरा 2022 से लेकर दिसंबर तक का पूरे साल का आपका डेट दे देता है। अब 2022 क्यों दिया, क्योंकि 2022 का डेटा इसमें है इसलिए 2022 दिया है। अच्छा, मैं इसमें मान लीजिए कि दो डाल देता हूं तो क्या होगा, तो फिर ये देखिए एक महीना गैप कर दिया इसने और ये मार्च से शुरू किया, मार्च 2021 से शुरू किया। अगर तीन डालता हूं तो अप्रैल 2021 से शुरू। अब कैलेंडर एटो फॉर्मूला के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ये आपको फाइनेंशियल ईयर एंड मंथ का बोलता है कि तीन में मंथ हुआ है, जो फाइनेंशियल ईयर आपको दिखाता है, जो डेटा है उसका नेक्स्ट, जो डेटा है आपका उस डेटा का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। लेकिन इसका यूज क्या होता है, मैंने आज तक इसका यूज नहीं किया, मैं माफी चाहूंगा कि मैं इसको बता पाऊँ इसमें क्या यूज, ठीक है? तो इस पे कीजिए प्रैक्टिस, अगली क्लास में हम बात करेंगे टाइम इंटेलिजेंस फॉर्मूले के बारे में। जी हाँ, टाइम इंटेलिजेंस फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, टाइम इंटेलिजेंस फॉर्मूला ज्यादातर टेबल्स पे या मेजर्स पे या क्यूरी में इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक सिंपल जो है इस पे कोई यूज नहीं है, बट हाँ क्यूरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो मैं आपको अगली क्लास में बताऊं, ठीक है?